लंबे वक्त से पहलवान और कुश्ती संघ के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया। केंद्र सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। कुश्ती संघ के निलंबन का ये फैसला सरकार की ओर से अचानक लिया गया। उधर संघ से नाराज पहलवानों ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच जारी दंगल में सरकार ने बड़ा दाव खेला। खेल मंत्रालय में भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। नव निर्वाचित कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह समेत पूरी कार्यकारिणी को सस्पेंड कर खेल मंत्रालय ने जबरदस्त धोबी पछाड़ मारा है। साथ ही कुश्ती संघ के सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी गई है। कुश्ती संघ पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय कुश्ती संघ के सस्पेंड होने के बाद इसके अध्यक्ष रहे संजय सिंह कुछ ज्यादा बोलने से बचते दिखे। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया है क्या नहीं है, तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया, जो भी है अभी मैं, अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। धन्यवाद। लंबे वक्त से कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच खींचतान चल रही थी। साल के शुरू से ही कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ हरियाणा के पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी था। बृजभूषण सिंह के बाद उनके करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनते ही इन पहलवानों का गुस्सा और बढ़ गया। बजरंग पूनिया ने अपना पद्म पुरस्कार लौटा दिया था, वहीं साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी। सरकार के इस फैसले के बाद विरोध जता रहे पहलवानों ने खुशी जाहिर की है। सरकार के इस कदम का स्वागत किया गया है। देखो, वही कह रहे हैं कि बहन बेटियों की लड़ाई थी, रेसलिंग में जो बच्चे बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूंगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है, और उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बृजभूषण सिंह पर पहलवानों ने संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद से ही उन्हें हटाने को लेकर इनका प्रदर्शन जारी था। लेकिन बृजभूषण के बाद उनके करीबी की अध्यक्ष पद संभालते ही बवाल और बढ़ गया था। अब ये पहलवान इस बात की मांग कर रहे हैं कि आगे बृजभूषण से जुड़े किसी शख्स को कुश्ती संघ में जगह ना दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।